नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप इसी तरीके की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में बात। कि अभी कुछ दिन पहले जो इंडियन मेकर्स इतना अतरा रहे थे और मोदी ने भी आके बड़ी बातें की थी कि हमने वैक्सीन बना ली और वैक्सीन जो है वो पत्नी बड़ी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट्स है और अरबों डॉलर्स वो लगाना शुरू हो गए उसके ऊपर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए और कहा हम दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ट्विटर के ऊपर तो अब आपको पता है उनके जो कंट टूटे हैं वो लग गए शुरू के, जी पाकिस्तान वाले जो है वो हमारी वैक्सीन ना मांगें और ये ना करें वो ना करें। करना क्या हुआ खुदा का कि वो जो वैक्सीन उन्होंने साउथ अफ्रीका भेजी थी, साउथ अफ्रीका ने फौरी तौर पर उसके सारे ऑर्डर्स रोक दिए और जो 1 मिलियन वैक्सीन डोजेस उन्होंने ली थी वो साउथ अफ्रीका फौरी तौर पर उनको वापस भिजवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वैक्सीन हमारी जो COVID-19 है उसे बिल्कुल हमें हेल्प नहीं कर रही और बल्कि वेव को वहाँ पे अब स्प्रेड हो रही है। और मेरे पास उसकी पूरी डिटेल्स आई नहीं और मैं देख रहा हूँ कि 1 मिलियन डोजेस साउथ अफ्रीका ने मंगाई थी, था लाइसेंस था एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन लास्ट वीक ये इंडिया से गई थी, पहले 5 लाख उसकी डोजेस पहले गई थी और 1 मिलियन बाद में, तो वो 1 मिलियन पूरी अब उन्होंने वापस भेजनी क्योंकि उन 5 लाख का बड़ा एडवर्स इफेक्ट हुआ है उनके पेशेंट्स के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि पहले जो उन्होंने वैक्सीन भेजी थी उनकी एक्सपायरी डेट अप्रैल थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा थोड़ा टाइम है, हमें दूसरी वाली वैक्सीन भेजो। फिर ये शिपमेंट उन्होंने वापस मंगाई, इन्होंने दूसरी वैक्सीन भेजी, तब तक उनके रिजल्ट सामने आ गए और उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन अब हम अपने लोगों को नहीं लगा सकते बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी उनको सीरियस इश्यूज हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि वो जो 1 मिलियन डोज है वो किसी और मुल्क को बेच दी जाए। आप इनकी दो नंबर ही देखें कि बजाय इसके कि होल्ड कर लें उस वैक्सीन को कि जनाब अगर किसी हुकूमत ने उसको मना किया है, उसको बंद किया है या उसको रोका है तो उसके रीजंस होंगे, हेल्थ रीजंस होंगे, लोगों की जिंदगियों को खतरा है, लेकिन इन्होंने क्योंकि एक्सपायरी डेट उसके ऊपर है तो इनका उसके बाद तो कोई नहीं लेगा, तो अभी फिर भी निकाल दो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कहीं ना कहीं निकाल दो। तो इंडियन गवर्नमेंट उस एक्सपायर्ड वैक्सीन को, या एक्सपायर्ड तो नहीं मैं कह सकता लेकिन उस वैक्सीन को जिसकी एफिकेसी जो थी साउथ अफ्रीका में काम नहीं आई, अब उसको दोबारा से रोल आउट करना चाह रहा है किसी और मुल्क को। और इसके ऊपर जो है अब इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने भी रिपोर्ट दे दी है, फोर्ब्स वालों ने भी रिपोर्ट दे दी है, इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर अभी तक कोई उन्होंने कॉमेंट नहीं दिया, वो कहते हैं कि जनाब खामोश हैं बिल्कुल इसके ऊपर। और साउथ अफ्रीका से तो इंडिया को अब ये बहुत बड़ी चमाट पड़ी है। एस्ट्राजेनेका ये जो वैक्सीन है रिपोर्टेडली इसके सारे फ्यूचर ऑर्डर्स जो हैं इंडिया में वो अब कैंसिल हो रहे हैं और वो बाकी ममालिक भी जो है वो साउथ अफ्रीका का क्यों ले रहे हैं। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इंडिया इसके ऊपर लगा रहा था COVID-19 की वैक्सीन पे और उन्होंने ज़रा प्री मेच्योरली उसको रोल आउट कर दिया था, अब उनको उसका सबक मिल रहा है। देखें प्री मेच्योर नहीं करना चाहिए था। इसमें रशिया की जो स्पुटनिक की वैक्सीन है उसके मतलब सारे ये बता रहे हैं कि उन्होंने टाइम लिया और उन्होंने यानी हज़ारों लोगों को जो करना था उन्होंने टेस्ट भी किया और इसको 3 बैचेस में किया। जब उनके रिजल्ट्स आ गए फिर उन्होंने 2 महीने वेट किया, फिर किसी को रिएक्शन नहीं हुआ, फिर उसके बाद जाके उन्होंने अपनी वैक्सीन को या स्पुटनिक को रोल आउट करना शुरू किया। ये जब अबड़ तबड़ में जल्दबाजी में मोदी साहब ने कर दिया काम और ये वही अभिनंदन वाला इनके साथ हुआ है कि जल्दबाजी में आ गया तो अपना जहाज गिरवा के और मुंह तोड़वा के फिर उसको वापस जाना पड़ा। तो आपको मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी कि इंडिया की जो वैक्सीन है वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न हो गई है और फ्यूचर ऑर्डर्स उसके बंद हो गए हैं और दीगर ममालिक से भी बंद हो रहे हैं। अब ये कोशिश करें कि इधर उधर आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपको बता दें पाकिस्तान के इस पत्रकार की आपने बकवास सुन ली, ये टोटली फेक न्यूज़ थी, इसे साउथ अफ्रीका के हेल्थ मिनिस्टर ने सामने आकर क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं इस खबर के बारे में। ये खबर पाकिस्तान या सारी दुनिया में कैसे पहुंची? ये खबर पहुंची भारत के लेफ्ट मीडिया के द्वारा। भारत का लेफ्ट मीडिया आप अच्छी तरह जानते हैं जैसे कि NDTV, द वायर, क्विंट और द
प्रिंट, इस तरीके के जो सोर्सेज हैं जो लेफ्ट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस तरीके की न्यूज़ वायरल की और साउथ अफ्रीका के हेल्थ मिनिस्टर को सामने आना पड़ा। उन्होंने इस तरीके की न्यूज़ वायरल कर दी कि साउथ अफ्रीका जो है सीरम इंस्टीट्यूट में बनने वाली ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसे रिटर्न करने वाला है। मतलब उसने बोला है कि ये वापस ले लो। आपको बता दें कि ये वैक्सीन है, ये मैन्युफैक्चर हो रही है इंडिया में, लेकिन इसको डेवलप किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये भारत की लोकल वैक्सीन तो थी नहीं, पहली बात तो ये बता देता हूँ आपको। और इस वैक्सीन को लेकर पाकिस्तानी मीडिया सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ही इस वैक्सीन को अप्रूव किया है सबसे पहले, उसके बाद चाइना की वैक्सीन को अप्रूव किया है, फिर तीसरे नंबर पर रशियन वैक्सीन को अप्रूव किया है। तो ये पाकिस्तानी तो बड़े बेवकूफ़ हैं, इनका तो बेवकूफ़ी में कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। अब बात करते हैं NDTV, द वायर, क्विंट, प्रिंट, इस तरीके के जो मीडिया हैंडल हैं या जो मीडिया हाउसेज हैं, आप समझ सकते हैं भारत का अगर कहीं नाम होता है, भारत कहीं किसी क्षेत्र में आगे जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर इन लोगों से बर्दाश्त होता नहीं। आपको पता है ये लोग तो उसी में जल भूंज गए होंगे, सर्वे भवंतु सुखना सर्वे संतु निरामया, जो लिखा था वैक्सीन के हर पैकिंग के डब्बे पर, इन लोगों के तो पेट में आप समझ सकते हो कैसे मतलब छाती में चूहे लोटते रहे होंगे वो चीज़ देखकर। आप समझ सकते हो लेफ्ट कम्युनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, इन लोगों का बेसिकली क्या है, तो उस चीज़ को देखकर ये रोने लगे होंगे। उसके बाद ये डेफिनेटली दिन रात सोचते होंगे किसी ना किसी तरीके से जो भारत की वैक्सीन है उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाए या उसके डोजेस लेने से बहुत सारे लोग मर जाएं, तो इन लोगों को मतलब काफ़ी खुशी हो। ये सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस तरीके की आप फेक न्यूज़ फैला सकते हो तो आपके मन के अंदर इस तरीके के डेफिनेटली थॉट रहे हो। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हालांकि साउथ अफ्रीका के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने सामने आकर इस न्यूज़ को वैसे ही क्लियर कर दिया है। आप जाकर इस न्यूज़ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। कृपया करके जो न्यूज़ आती हैं आप समझ सकते हो, वेरीफाइड हैंडल द वायर, द वायर की भी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है इंडिया में। आपको पता है एक ख़ास किस्म के जो लोग हैं उसे फॉलो करते हैं, NDTV की तो वैसे भी पता है आपको। इस मीडिया हैंडल को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर देखें और फेक न्यूज़ फैला दें, और फेक न्यूज़ फैल गई, मान लो आपने पहले फेक न्यूज़ देख ली, उसके बाद आपने वो वेरीफाई नहीं की, चेक नहीं किया, वैसे ही आप वेरीफाइड मतलब नहीं करते और आप तो यही समझेंगे कि वो फेक न्यूज़ ही सही थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हो इस तरीके के लेफ्ट मीडिया ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया, और कंटिन्यू ये लोग नुकसान पहुंचाते रहेंगे। जैसे कि टूलकिट जब लीक हुई थी तो आपको पता है उसमें भारत की चाय और योगा को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी किसी न किसी तरीके से आने वाले समय में, उनका जो प्रोग्राम था। हालांकि आपको भी पता है सच्चाई कितनी भी कमज़ोर हो, झूठ से तो हमेशा स्ट्रांग ही रहती है। तो वही बात हो गई यहाँ पर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले वीडियो आते ही। धन्यवाद दोस्तों।